हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे शैडो कैसे बनाते हैं, किस किस टाइप का शैडो बनाते हैं और कितने तरीके से शैडो बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शैडो बनाने के लिए सबसे पहला शैडो बनाएंगे, उसके लिए एक लेयर लेते हैं, ब्लैंक लेयर, और उसके बाद ब्रश टूल लेंगे और कलर में हम यहाँ ब्लैक फिल करेंगे और यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। ये हमारा एक हो गया। अब इसको करना क्या है, इसको कंट्रोल टी करके ऐसे चेंज करेंगे, थोड़ी सी इसकी विड्थ उड़ा के। सो फ्रेंड्स, ये हमारा शैडो वन है, एक शैडो हमने बना लिया। अब इससे आप देख रहे होंगे ऐसा लग रहा है कैमरा थोड़ा सा फ्लोटिंग हो रहा है, हवा में है, वो थोड़ा सा फील दे रहा है। अब इसको हटाने के बाद लगेगा कैमरा का कोई पोजीशन नहीं लग रहा है, कहाँ पे रखा हुआ, कोई बेस नहीं बना हुआ है, हवा में है तो उसकी शैडो नहीं है। अगर शैडो लगाते इसकी लुक निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीका है बनाने का। इसी का दूसरा तरीका है, आप यहाँ से किसी भी एक सिलेक्शन को ले सकते हैं। सपोज़ मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, सिलेक्शन लेता हूँ और यहाँ पे मैं जाकर फिदर कर दूँगा 50 और एक लेयर लूँगा और इस पर मैं कलर फिल कर दूँगा और इसको भी कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और इसको नीचे ले आएंगे और इसकी ओपेसिटी करेंगे 30% या 20%। सेम चीज़ बना है लेकिन ये अलग तरीके से। आप एलिप्स टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप एक सर्कल बनाइए, इसमें भी फेदर दीजिए और एक लेयर लेके कलर फिल कर दीजिए ओपेसिटी कम करेंगे, ये हमारा हो गया। तो फ्रेंड्स, ये शैडो बनाने के लिए हमने तीन तरीके का यूज़ किया है। अब शैडो, एक शैडो तो डायरेक्ट होता है, यहाँ से आप जाइए और यहाँ पे शैडो आएगा, ड्रॉप शैडो, इसको चूज़ कीजिए और इसको मैं थोड़ा सा एंगल 120 रखूँगा और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दूँगा, इससे बाहर होता है और इससे फेदर बढ़ता है। मैं इसको फेदर बढ़ा दूंगा और इससे पॉजिटिव कम करूंगा। तो ये एक मेरा शैडो हो गया। अब इसी शैडो को बनाने के लिए एक अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे। इसका दूसरा तरीका है, कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा और एक लेयर लेंगे, इस पर हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं और इसको फिल्टर में जाके ब्लर, गशिन ब्लर को यूज़ करेंगे 90 पिक्सल का और फिर फिल्टर में जाएंगे, फिर ब्लर करेंगे, फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मोशन ब्लर और इसको 44-45 डिग्री रखेंगे और इसको थोड़ा सा ये बढ़ा लेंगे। ये हमारा बन गया। इसको अब इस लेयर के नीचे ले आएंगे, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है ना, इसको मैं इरेज कर दूंगा। आप ये फ्लो थोड़ा सा कम रखिएगा और ओपेसिटी भी, ताकि जो इरेजिंग होगी उसकी स्मूथनेस बहुत ही अच्छी होगी। थोड़ा सा नीचे से भी एज मिला लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा दूसरा तरीका है बनाने का। फ्रेंड्स, एक शेडो और बनाते हैं। इस पर मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा, एक लेयर लूँगा, यहाँ पे कलर फिल किया, इसको जाके मैं ब्लर कर लूँगा और इसको लेयर के नीचे ले आऊँगा और इसको मैं रैप करूँगा ऐसा।
ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा और इसको मैं ओपेसिटी करूँगा 30%, और इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके ऐसे रखें। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक अलग तरीके का शेडो है, इससे कैमरे का लुक अलग ही निकल के आ रहा है। फिर एक शेडो और बनाते हैं, रिक्टेंगल टूल लिया, एक लेयर लिया, फेदर 50%, कलर फिल ब्लैक, कंट्रोल टी, और इसको यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा और छोटा करेंगे इसको थोड़ा और। सो ये एक शेडो हो गया हमारा। इसमें लग रहा है कि कैमरे का एक बेस बना हुआ, कैमरा कहीं पर रखा हुआ, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो पता चलेगा कैमरा क्या है और अभी क्या है। सो फ्रेंड्स, ये शेडो अलग अलग तरीके का हम कैसे बना सके ये हमने अभी सीखा है। मैं शेडो हटा के दिखाता हूँ कैसा लग रहा है ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। फिर एक तरीका और है, अगर मैं इसका, आप रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, शेडो रिफ्लेक्शन, मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको कंट्रोल टी करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा और इस लेयर के नीचे ले आऊँगा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से इसको मास्किंग कर दूँगा, और ये मैं ग्रेडियंट यूज़ करूँगा ये वाला इधर, इसको हटा दीजिए आप, इस पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, यहाँ ब्लैक कलर हो, और इस पर जी प्रेस करके शिफ्ट के साथ मैं इसको ऐसे कर दूंगा। तो फ्रेंड, ये हमारा एक रिफ्लेक्शन हो गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने 4-5-6 तरीके का शेडो बनाना सीखा। आगे इसी टाइप का और भी फोटोशॉप का ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।